आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए लिमिट x जब -2 की ओर अग्रसर है 3x² + ax + a + 3/x² + x - 2 विद्यमान हो, साथ ही सीमा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें दिया गया है कि इस सीमा का मान विद्यमान है, तो a के किस मान के लिए विद्यमान होगा, तो यहाँ से हम पहले सीमा लिख लेते हैं। फलन लिखते हैं समाक लिमिट x का मान अग्रसर है -2 की ओर 3x² + ax + a + 3 बट्टे हैं हमारे पास यहाँ से x² + x - 2। अब यदि यहाँ से हम -2 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ सकता है, यह मान बराबर आ सकता है 3 × -2² + a × - 2 + a + 3 आ जाएगा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -2² - 2 - 2। यदि हम यहाँ से देखें तो यह +4 - 2 - 2 अर्थात -4 हो जाएगा और आपस में कट जाएगा और यहाँ से मान 0 आ जाएगा, बट्टे में 0 आएगा। तो सीधी सी बात है फलन के का मान विद्यमान नहीं होना चाहिए सीमा का, किंतु यहाँ दिया गया सीमा का तो मान विद्यमान है। तो यहाँ से हमारे पास इसका मान क्या आएगा, अंश का मान देखते हैं, यहाँ से आएगा 4 × 3 = 12 और प्लस यहाँ से -2 आएगा, तो a + 3 पहले लिख लेते हैं और यह आएगा -2a। अब यदि इसे सरल करते हैं और बट्टे में हमारे पास यहाँ से 0 ही आ रहा है, बट्टे में आ रहा है यहाँ से 0, तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो यह आ जाएगा -a और यह आ जाएगा 15 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -a बट्टे 0। अब यदि सीमा का मान विद्यमान है तो सीमा का मान a की स्थिति में विद्यमान हो सकता है जब यह ऊपर वाला मान भी 0 आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम कोई फलन f(x/g) लिखते हैं और यदि उसकी सीमा का मान हमारे पास सीमा अग्रसर हो यदि x m की ओर, तो यहाँ से f(m/g) आ जाता है। तो यहाँ से यदि दोनों का मान ही 0 आ जाए तो उस स्थिति में हम डीएल हॉस्पिटल नियम लगाते हैं, उसमें ऊपर का ऊपर अवकलन करते हैं, नीचे का नीचे अवकलन करते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर काम में लेते हुए यह मान यदि सीमा विद्यमान होगी, यदि सीमा विद्यमान है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यदि सीमा विद्यमान है तो हमारे पास यहाँ से 15 - a = 0 आ जाएगा और यदि 15 - a = यहाँ से 0 आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a = आ जाएगा 15। अब यहाँ से हमें a का मान मिल गया a = 15। अब a = 15 हमने यहाँ से इसमें रखना है और सीमा का मान निकालना है क्या आएगा। अब यदि यहाँ से a = 15 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लिमिट x अग्रसर है हमारे पास -2 की ओर और फलन है यहाँ से, फलन यह था जिसमें हमने a का मान 15 रख देना है। अब यदि पहले इसे सरल कर लेते हैं, यह आ जाएगा लिमिट x अग्रसर होगा हमारे पास -2 की ओर 3x² + 15x और 15 और 3 हो जाएगा हमारे पास 18 बट्टे आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x² + x - 2। अब यदि हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो यह लिखा जा सकता है 3 × x अग्रसर होगा यहाँ से -2 की ओर, यह आ जाएगा x² + 5x + 6 बट्टे में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x² + x - 2। अब यदि यहाँ से x - 2 रखेंगे तो +4 आ जाएगा यह और यहाँ से -10 और +6 यह रूप आएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 और -2 और -2, तो 0/0 का रूप बन रहा है। अब 0/0 के रूप में हम एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। अब एल हॉस्पिटल नियम हमें कहता है ऊपर का ऊपर अवकलन और नीचे का नीचे अवकलन, तो यहाँ से आ जाएगा x तो अग्रसर होगा -2 की ओर और यहाँ से माना जाएगा इसका अवकलन करेंगे तो 2x + 5 बट्टे में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2x + 1। अब यदि सीमा लगाते हैं तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है 3 × x अग्रसर है -2 की ओर, तो यहाँ से माना जाएगा 2 × -2 + 5 बट्टे यहाँ से 2 × -2 + 1। इसे यदि हम सरल करें तो 5 - 4 = आ जाएगा 1 के बराबर, 3 × 5 - 4 तो 1 आएगा, बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 1 - 4 यहाँ से हम लिख सकते हैं -3 के बराबर, तो यह आ गया -3, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और मान आ जाएगा -1। तो फलन की सीमा का माना है -1 और a का माना है 15 और यही हमारे इस प्रश्न का हल है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।